अब हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का सामान्य तरीके के एप्लीकेशंस क्या है, यानी कोई कॉमन एप्लीकेशन जो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग। कई स्टूडेंट ने अब तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस ये सारे यूज़ किए होंगे ताकि कुछ आप रिपोर्ट बना सकते हैं, उसके अंदर टाइप कर सकते हैं। तो ये टाइपिंग जो है इसे वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके अंदर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप, उसके अंदर डायग्राम्स डाल सकते हैं, तो अलग अलग चीज़ कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट में। तो वर्ड प्रोसेसिंग सबसे पहला एप्लीकेशन आप सोच सकते हैं। अगर कंप्यूटर ना होते तो शायद इंटरनेट होता ही नहीं था, क्योंकि इंटरनेट क्या है, एक इंटरकनेक्शन, यानी दुनिया में सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से जुड़ते हुए देखना, यही इंटरनेट है। ऑडियो और वीडियो, अगर आपने तो मोबाइल यूज़ करके काफ़ी गाने भी सुनते हैं, आप मूवीज़ भी देखते हैं, तो अगर हमें जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग है आजकल कोई पहले जैसे नहीं करता, आजकल सारे जहाँ डिजिटल रिकॉर्डिंग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। और अगर आप ये सोचोगे, आप ये देखिए, अब कोई पुराना कैमरा यूज़ करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आजकल सब डिजिटल कैमरा ही यूज़ करते हैं। अगला एप्लीकेशन होगा डेस्कटॉप पब्लिकेशन। अगर आप अपना स्कूल मैगज़ीन, न्यूज़पेपर या न्यूज़ मैगज़ीन, जैसे इंडिया टुडे हो, द वीक हो, जब ये पब्लिश करना है उससे पहले इसे एक सॉफ्टवेयर में, जैसे कोरल ड्रॉ है, पेज मेकर है, इनसे बैठ के आपको सब आर्टिकल्स लिख के उसे सेटिंग करना पड़ता है, आपको फॉन्ट बढ़ाना पड़ता है, आपको डायग्राम्स बनानी पड़ती है, ये सारे के लिए कंप्यूटर पे होता है, उसका सॉफ्टवेयर होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग या डेस्कटॉप पब्लिकेशन। ई बिजनेस, आप लोगों ने काफ़ी चीज़ फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से ख़रीदा होगा, ये था एक एग्जाम्पल ई बिजनेस का। और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट भी खुद कंप्यूटर यूज़ कर सकता है ताकि उन्हें पता चले कि ये आइटम उनके अंदर है या नहीं, इसके कितने कॉपीज़ है, कब ख़रीदना है, कितने सेल हो रहे हैं, ये सारी एनालिसिस अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट कर सकते हैं। और एक तरीका का ई बिज़नेस ये है, ई बिज़नेस यानी ये भी हो सकता है कि कंपनियां, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ डीलिंग थ्रू इंटरनेट या कंप्यूटर्स थ्रू कर सकते हैं, इसे भी ई बिज़नेस माना जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में कंप्यूटर्स का बहुत ही, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, डेटा बहुत ज़्यादा होता है। कंप्यूटर के बिना अगर आपको करते बैठे तो आप रिसर्च प्रोसेस कर ही नहीं पाओगे और कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, मतलब इतना टाइम लगेगा कि वो कर ही नहीं पाएंगे। जैसे जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम कंप्यूटर्स लैंग्वेजेस जैसे पर्ल, पाइथन यूज़ करके, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक फील्ड है जिसमें कंप्यूटर साइंस यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बायोलॉजी में एप्लीकेशन करना, इसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। अगला होगा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। पहले तो हॉस्पिटल में ये हो सकता है कि पेशेंट का डेटा स्टोर करना, पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना, पेशेंट का टैबलेट हिस्ट्री मेंटेन करना, पेशेंट किस डॉक्टर के पास भेजा था वो मेंटेन करना, पेशेंट का पास डिजीज हिस्ट्री मेंटेन करना। और इतने स्मार्ट कंप्यूटर्स आ गए, आपके सारे जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, जैसे सोनोग्राफी है, MRI है, इसके अंदर स्मार्ट कंप्यूटर्स भरे हुए हैं। तो मेडिकल फील्ड में जो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो रही है, जैसे बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे जो मेडिकल फील्ड में डेवलपमेंट्स होने वाले हैं कंप्यूटर पर निर्भर है, और कंप्यूटर इन्हें आगे लेके जाएगा। GIS और रिमोट सेंसिंग, तो आप देखेंगे अगर आप सैटेलाइट से इमेज खींचते हैं किसी स्टेट या इस जगह का, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितने पेड़ पौधे हैं, कितना ग्रीनरी है, स्थिति क्या है, कहीं आग लगी है, कितने डेवलपमेंट हुआ है, ये सारे GIS थ्रू होता है। GIS मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो क्या करते हैं हम, समझ लीजिए हम 1980 का सैटेलाइट इमेज देख लेते हैं, और उसके बाद 2020 का भी एक सैटेलाइट इमेज देख लेंगे, समझ लीजिए हम उत्तराखंड का इमेज देख लिया, तब हम दोनों डेटा GIS के द्वारा कंपेयर करके हम ये पता कर सकते हैं कि तब क्या स्थिति थी पेड़ पौधों का, अब क्या स्थिति है, तब कितने मकान यहाँ थे, अब कितने मकान यहाँ आ गए, ये सारी GIS से कर सकते हैं।
मेट्रोलॉजी यानी मेजरमेंट्स, मतलब किसी का वेट करना, ठीक है, कि जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स होते हैं, ऑटोमेटिक वेइंग मशीन्स, ये सारे मेट्रोलॉजी के अंदर आ जाती है। आप सबने टॉम एंड जेरी, ऑगी द कॉकरोच, ठीक है, ये सारे चीज़ देखे होंगे। ये सारे कमाल है मल्टीमीडिया और एनिमेशन का जो कंप्यूटर द्वारा किया गया है, ठीक है। लीगल सिस्टम में, लीगल में क्या होता है, अगर आप जाओगे, आजकल इंडिया में पूरा कोर्ट सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। मतलब पहले जैसा आपको कोर्ट जाना नहीं पड़ता था कि आपको ये पता करने के लिए मेरा केस का स्टेटस क्या है, कब इसकी अगला तारीख है, जज कौन है, इसके लॉयर क्या है, ठीक है, ये पता करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सीधा ecourts.nic.in जा सकते हैं और सारे जो डेटा है कोर्ट्स का वो ऑटोमेट हुआ है। आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी इंटरनेट पे देख सकते हैं। ये सारे सहूलत आपको कंप्यूटर के द्वारा मिल रहा है। ये आपका फेवरेट, अगर कंप्यूटर्स ना होते तो इतना वीडियो गेम्स पॉपुलर ना होता और आप खेलते भी नहीं हैं। तो वीडियो गेम्स एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर्स का। रिटेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस यानी समझ लीजिए हम बिग बाजार, डी मार्ट, रिलायंस, मोर, सुविधा, इन सारे बड़े स्टोरों में अगर आप देखोगे कंप्यूटर्स बहुत यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं? जैसे हम परचेस करेंगे उनका बिलिंग करने के लिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ समझ लीजिए, वो कोई चीज़ उनके स्टॉक में है तो कंप्यूटर से तुरंत पता चल जाएगा कि अभी कितने बचे हैं, कितने सेल हो गए हैं, कब सेल हो गए हैं, इनका सेल का स्पीड क्या है। तो ये सारे एनालिसिस जो कर सकते हैं आप कंप्यूटर द्वारा ही कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर का एंटरटेनमेंट में, जैसे म्यूजिक, गाने, मूवीज, स्पोर्ट्स, सारे आप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में अगर आप देखोगे, जैसे क्रिकेट में बॉल ट्रैकिंग कर रहे हैं आईपीएल में या नॉर्मल मैचेस में, ठीक है, तो और प्लेयर का परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह ज़्यादा आउट हो रहा है, ये बॉलर कब थकता है, ये बॉलर का बॉलिंग कहाँ पिच हो रही है, ये सारे एनालिसिस कंप्यूटर के द्वारा होता है। तो अब हमने क्या कर दिया, आपको एक कंप्यूटर्स का सामान्य यानी कॉमन एप्लीकेशंस बता दिया। ये तो बहुत थोड़ा ही बता दिया, इससे बहुत सारे जगह पे एप्लीकेशंस है। जैसे हम लोग अभी जो यूज़ कर रहे हैं, हम एजुकेशन में, मैं कंप्यूटर के द्वारा आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो इसके साथ अलविदा।